तो दोस्तों, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ इन अ वेरी शॉर्ट दैट आई हैव चेंज्ड माई चैनल फ्रॉम डियर बाइकर लाइकर फॉर एवर टू टेक्निकल ज्ञान. एक्चुअली आई जस्ट डोंट वॉन्ट टू से लिमिट माई सेल्फ फ्रॉम ओनली से बाइक रिलेटेड नॉलेजेस एंड शेयरिंग्स. आई जस्ट वॉन्ट टू एक्सप्लोर माई सेल्फ इन अदर रिलेटेड एक्टिविटीज. वॉट एवर आई शुड नो सो फ्रॉम माई टेक्निकल नॉलेज आई वुड लाइक टू शेयर विथ यू. सो टुडे ऑनवर्ड्स माई चैनल वुड बी नोन एज टेक्निकल ज्ञान. सो प्लीज बी स्टे विथ मी टू शेयर सम नॉलेजेस एंड आई वुड एक्सपेक्ट दैट यू विल कमेंट ऑन माई चैनल सो दैट आई विल गेट aware that whatever is you expecting from this channel. So please be free and share your valuable comments in a message section in my notifications. So chaliye aaj ka blog jo hai shuru karte hain. To aaj ka topic jo hum logon ne rakha hai, aap logo ko thumbnail dekh ke hi malum chal gaya hai ki aaj ka topic ekdam selective hai. Aaj ka topic hum logon ne rakha hai कि क्वालिटी एश्योरेंस वर्सेस क्वालिटी कंट्रोल. बीइंग एज ए क्यूएस ए पर्सन आई वुड लाइक टू टेल यू दैट सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस बिकॉज इट इज़ अ कॉफी टाइम. सो इट इज़ एक्चुअली इवनिंग टाइम एंड आई जस्ट अराइव्ड माई फ्रॉम माई ऑफिस. सो सॉरी फॉर दिस कॉफी इनकन्वीनियंसेस, प्लीज पार्डन मी. सो आज का जो टॉपिक है वो है क्वालिटी एश्योरेंस वर्सेस क्वालिटी कंट्रोल. तो ये टॉपिक क्यों है, क्योंकि से बीइंग एज ए प्रोफेशनल आई एम वर्किंग एज ए क्वालिटी एश्योरेंस पर्सन. और आज मैं से ब्रीफली आप लोगों को थोड़ा इसका जो है थोड़ा डिफरेंस इलाबोरेट करना चाहूँगा. तो पहले शुरू करते हैं क्वालिटी एश्योरेंस के साथ. तो क्वालिटी एश्योरेंस जो है एज पर द गाइडलाइन ऑफ आई एस ओ 9000:2015 पॉइंट नंबर 3.2 रिलेटेड टर्म्स. इसमें ऐसे टर्म्स को मैं ये क्लियर किया है, दोनों का डेफिनेशन जो है उसको एकदम से प्रॉम्प्टली से क्लियर किया है कि क्वालिटी एश्योरेंस जो है वो पार्ट ऑफ द क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम है और क्वालिटी कंट्रोल जो है दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम. बट क्वालिटी कंट्रोल इज फुलफिलिंग द क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स, वेयर एज क्वालिटी एश्योरेंस इज इंक्रीजिंग द कॉन्फिडेंस दैट द क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स इज बीइंग फुलफिल्ड. सो क्वालिटी एश्योरेंस टीम जो है वो फोकस कर रहा है कि क्वालिटी से जो रिक्वायरमेंट्स है उसको नॉट ओनली से फुलफिल करना, उसका जो कॉन्फिडेंस है उसका कॉन्फिडेंस को भी बिल्डअप करना. और क्वालिटी से कंट्रोल का जो पार्ट है वो है क्वालिटी का रिक्वायरमेंट को ही फुलफिल करना. तो दोनों में बेसिक डिफरेंस यही है कि क्वालिटी से एश्योरेंस टीम जो है वो अपना क्वालिटी रिक्वायरमेंट तो फुलफिल करेंगे ही विथ अ बिट ऑफ क्वालिटीज रिक्वायरमेंट्स अलॉन्ग विद द कॉन्फिडेंट ऑफ द क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम. वो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम का जो कॉन्फिडेंस है उस कॉन्फिडेंस को भी बिल्डअप करेगा. तो अगर क्यूए का एक्टिविटी को डिफाइन कर दे तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि क्यूए जो है वो इंश्योर करेंगे क्वालिटी को विद द हेल्प ऑफ द प्रोसेस एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट. मतलब वो प्रोसेस को भी और प्रोडक्ट को भी दोनों का जो डेवलपमेंट है इस डेवलपमेंट को इंश्योर करेगा अलॉन्ग विद द कॉन्फिडेंस. और अगर क्यूसी एक्टिविटी को हम लोग डिफाइन करेंगे तो ऐसे बोल सकते हैं कि क्यूसी क्या करेंगे कि इंश्योर करेगा कि जो प्रोडक्ट बन रहा है उस प्रोडक्ट का क्वालिटी जो है वो प्रॉपरली से मेंटेन हो. और उसमें कुछ अगर डिफेक्ट मिलता है तो डिफेक्ट को आइडेंटिफाई करे और उसके अगेंस्ट पे प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट करें. तो और एक्चुअल से प्रोडक्ट का जो भी नेचर है, जो फाइंडिंग्स है, वो फाइंडिंग्स में मदद करें. तो ये रहा बेसिक डिफरेंसेस. अगर हम लोग ऐसे प्रॉम्प्टली बता दें तो क्यूए इज अ सेट ऑफ एक्टिविटी
which ensure the quality in the process by which the product is being developed. QC is the set of activities for ensuring the quality in the product. The activities focus on identifying the defects in actual product and the process. तो दोस्तों, अगर क्वालिटी एश्योरेंस और क्वालिटी कंट्रोल में बेसिक डिफरेंस एक सिंगल वर्ड में अगर डिफाइन करना है तो हम लोग सोच समझ के ऐसे बोल सकते हैं कि QA इज अ प्रोएक्टिव क्वालिटी प्रोसेस. QA का जो है उसका प्रोएक्टिवनेस जो है प्रोसेस के ऊपर रहेगा, उसका प्रोएक्टिवनेस की वजह से प्रोसेस में डेवलपमेंट होगा. और अगर QC को बोलेंगे, QC इज अ रिएक्टिव इन द प्रोसेस, क्योंकि QC को क्या करना है, रिएक्ट करना है. QC को जो भी फाइंडिंग्स होगा उस फाइंडिंग्स को प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट करना है, उसको आइडेंटिफाई करना है, फॉल्ट फाइंडिंग्स को आइडेंटिफाई करना है और वो मैनेजमेंट के सामने लेके आना है. ये बेसिक डिफरेंसेस है. अगर सिंगल वर्ड में बोलेंगे तो ही खड़ा होता है कि QA इज अ प्रोएक्टिव क्वालिटी प्रोसेस, QC इज अ रिएक्टिव क्वालिटी प्रोसेस. ये बेसिक डिफरेंसेस है QA और QC के बीच में. QC क्या करेंगे, QC जितना भी हम लोगों के पास एक्टिविटीज़ है या टेक्निक्स है वो सारा एक्टिविटीज़ और टेक्निक्स को अचीव करेंगे और उसको प्रॉपरली मेंटेन करेंगे. उसको प्रॉपरली मेंटेन करके प्रोडक्ट क्वालिटी प्रोसेस एंड सर्विसेज को कंटिन्यू मेंटेन करेंगे, जिससे क्या होगा, QC का जो गोल सेटअप किया है वो गोल जो है अचीव हो सकता है. अगर क्वालिटी एश्योरेंस और क्वालिटी कंट्रोल का रिस्पॉन्सिबिलिटी को अगर डिफाइन करना है तो हम लोग सिंपली बोल सकते हैं कि QA में जितना भी लोग है दे ऑल आर रिस्पॉन्सिबल टू बिल्ड द प्रोडक्ट विथ एडिक्वेट क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स एंड से फुलफिल अ सिस्टम विच कैन से मेंटेन इट्स एडिक्वेसी. ये सिंपली QA का रिस्पॉन्सिबिलिटी है. अभी अगर QC का रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिफाइन करना है तो हम लोग ये बोल सकते हैं सिंपली कि QC का जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेगा वो रहेगा कि प्रोडक्ट जितना भी कॉमर्शियलाइजेशन होगा या प्रोडक्ट जितना भी मार्केट में जाएगा इट शुड बी से फ्री फ्रॉम एनी डिफेक्ट. तो वो डिफेक्ट को आइडेंटिफाई करना और स्पेसिफिकली उसकी रिलेटेड जितना भी एक्टिविटीज है, जैसे टेस्टिंग करना, उसको रिलीज करना, अगर कुछ फॉल्ट फाइंडिंग्स हुआ तो उसको इन्वेस्टिगेट करना, ये रहेगा QC का रिस्पॉन्सिबिलिटी. सोनली QC टीम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर आइडेंटिफाइंग एनी डिफेक्ट एंड इट शुड बी एडिक्वेटली इन्वेस्टिगेटेड, ये रहेगा QC का रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो अभी अगर QA और QC का काम का अगर एग्जाम्पल देना है तो सिंपली हम लोग बोल सकते हैं कि QA का काम जो रहेगा वो रहेगा वेरिफिकेशन. मोस्टली QA का रिस्पॉन्सिबिलिटी यही है, QA का जो काम है वो वेरीफाई करना, कोई सभी चीज़ को वेरीफाई करना इंटायर प्रोसेस को, और वो प्रोसेस के लिए जितना भी स्टेप्स रहेंगे सारा स्टेप्स को वेरीफाई करना ही QA का रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज में आएगा. अगर QC का अगर काम के अगर एग्जांपल दे तो QC क्या करेंगे, वैलिडेशन करेंगे और जैसे क्वालिफिकेशन करेंगे, कोई भी सॉफ्टवेयर का हो सकता है, कोई भी इक्विपमेंट का हो सकता है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट का हो सकता है, उसका क्वालिफिकेशन उसका. तो अगर स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स के बारे में बात करेंगे तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि QA जो है, QA अपना नॉट ओनली QA का स्टैटिस्टिकल और प्रोडक्शन का स्टैटिस्टिकल और QC का स्टैटिस्टिकल, ऐसा कुछ पर्टिकुलर इंडिविजुअल किसी का वेरिफिकेशन नहीं करेगा. QA जो है एंटायर प्लांट का एक पूरा सिस्टम का वेरिफिकेशन करेगा. इसलिए QA के पास जो है स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल जो है, स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल करेगा, उसका एनुअल जो है प्रोडक्ट का क्वालिटी को वेरीफाई करेगा, उसका रिव्यू करेगा, उसको पब्लिश करेगा, APQR वगैरह प्रिपरेशन करेगा, एनुअल से प्रोडक्ट क्वालिटी से रिव्यू करेगा और टोटल क्वालिटी से एट्रीब्यूट्स जितना भी रहेंगे उसके रिलेटेड जितना भी इसे प्रोसेस रिलेटेड फाइंडिंग्स रहेंगे, फॉल्ट फाइंडिंग्स रहेंगे और सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए जितना भी स्कोप रहेंगे वो QA ऑर्गेनाइज करेगा और उसको फुलफिल करेगा. स्टैटिस्टिक्स का बात करेंगे तो QC का जो रोल्स रहेंगे, स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल करना
क्यूसी का काम रहेगा। दैट मीन्स जितना भी फिनिश प्रोडक्ट हम लोग कमर्शियलाइज करेंगे उसका जो क्वालिटी रहेगी, उसका जो क्वालिटी एट्रीब्यूट रहेगा, वो उसको फुलफिल करना क्यूसी का मेन प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा। तो स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल को एरर फ्री करना और स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल को मेंटेन करना क्यूसी का सोल रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेंगे। तो अभी सबसे इंटरेस्टिंग जगह पे हम लोग इस डिस्कशन का सबसे इंटरेस्टिंग मोड़ पे आके पहुँचे हैं। डिस्कशन का अगर अंत तो करना ही पड़ेगा, बट इसका कोई अंत होता ही नहीं है। और हम लोग सोचते रहते हैं कि ये क्यूसी है, दिस पर्सन इज़ बिलोंग टू क्यूसी एंड दिस पर्सन इज़ बिलोंग टू क्यूए, तो ऐसे तो हो ही नहीं सकता है। बोथ आर कोलाबोरेटिव, दोनों ही एक ही धागे से बंधा हुआ है, तो उसको अलग कर ही नहीं सकते। तो अगर क्यूसी और क्यूए को अगर एक ऑर्गेनाइजेशन थॉट प्रोसेस से सोचेंगे, अगर एक ऑर्गेनाइजेशन को चलाना है तो उसके लिए क्यूए और क्यूसी का क्या इम्पोर्टेंस है, अगर उसको डिफाइन करते हैं एज अ टूल्स, व्हाट इज़ द टूल ऑफ क्यूए एंड व्हाट इज़ द टूल ऑफ क्यूसी, तो हम लोग सिंपली ये बोल सकते हैं कि क्यूसी जो है वो एक करेक्टिव टूल, मतलब जैसे भी कुछ भी फाइंडिंग्स होंगे चलते चलते, जैसे मान लीजिए कि एक प्रोडक्ट चल रहा था, सडनली मेरा जो स्पेसिफिकेशन है प्रोडक्ट को रिलीज़ करने के लिए जो क्राइटेरिया दिया गया डिफाइन किया है, वो हो सकता है कि कोई कॉम्पेंडियल हो, अदरवाइज वो इनहाउस हो, या फिर पर्टिकुलर कुछ कंट्री का रिक्वायरमेंट भी हो सकता है। तो जो भी हो, तो वो स्पेसिफिकेशन का अगर बियॉन्ड जाता है, मान लीजिए फाइंडिंग्स हुआ कुछ एक टेस्ट में, तो उसके लिए आपको सिस्टम में क्या क्या करेक्शंस लाना पड़ेगा, वो सारा करेक्शंस को डिफाइन करने के लिए जो भी एक्टिविटीज़ की करेंगे, जो भी टूल्स इम्प्लाई करेंगे, वो होगा क्यूसी का टूल्स। मतलब क्यूसी इज अ करेक्टिव टूल। व्हाट इज द क्यूए टूल, तो अगर क्यूए को बोलेंगे तो क्यूए इज सोली द मैनेजमेंट टूल। क्यूए जो है वो करेक्टिव टूल को हम लोग ऑर्गेनाइजेशन में कैसे मैनेज कर सकते हैं, इसे मैनेजरियल टूल बोल सकते हैं इसको, क्योंकि उसको जो है प्रोसेस को कम्प्लीटली इम्प्लीमेंट करना, प्रोसेस को इम्प्लीमेंट करना और प्रोसेस का डे बाई डे उसका रोबस्टनेस को और इन्हेंस करना, उसका जो क्वालिटी एट्रीब्यूट्स रहेंगे क्वालिटी को और स्ट्रिंजेंट करना, ताकि जो भी हम लोग प्रोसेस में जो भी डेविएशंस है उसको मिनिमाइज करना, टोटल क्वालिटी से पैरामीटर्स को एक्सट्रीम लाइन करना, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि क्यूए टूल्स। तो सिंपली एक सिंगल वर्ड में अगर बोलेंगे तो क्यूए इज अ मैनेजमेंट टूल और क्यूसी इज अ करेक्टिव टूल, ये दोनों का से बेसिक डिफरेंस है। तो होपफुली आप लोगों को लर्न कुछ कर पाए हैं, मेरा जितना भी अंडरस्टैंडिंग है आप लोगों को शेयर किया है कि व्हाट इज क्यूए एंड व्हाट इज क्यूसी। ये नॉट ओनली फॉर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, ये मोटा मोटी सारा इंडस्ट्री में ही ऐसे ही होता है कि क्यूए और क्यूसी का बेसिक डिफरेंसेस। तो बहुत लोगों को ये एक आइडिया क्लियर नहीं है कि क्यूए क्या है और क्यूसी क्या है। इनफैक्ट हम लोग ये भी देखते हैं कि एक ही ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग जो क्रॉस फंक्शनल डिपार्टमेंट्स होते हैं उनको भी आइडिया क्लियर नहीं होता है कि क्यूए का क्या रोल है और क्यूसी का क्या रोल है। सपोर्टिंग टीम्स जैसे होता है कि मेंटेनेंस हो गया, या फिर कुछ मान लीजिए वेयरहाउस टीम हो गए, तो उनको लगता है कि क्यूए और क्यूसी जो है वो क्वाइट सिमिलर, और दोनों के बीच में क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उसको क्लियर नहीं हो पाता है। तो होपफुली आप लोग ये वीडियो का अगर देखेंगे तो थोड़ा बहुत आपको आइडिया क्लियर हो जाएगा। जितना भी मुझे अंडरस्टैंडिंग था मैंने आप लोगों को शेयर किया है, होपफुली अच्छा लगे तो कमेंट करें, लाइक करें, इसको शेयर करें और मेरा चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आज से हम लोगों का चैनल का नेम जो है हम लोगों ने चेंज कर दिया है, ये आज से चैनल का नाम हो गया है टेक्निकल ज्ञान। हम लोग इसमें जो है अपना जितना भी नॉलेज है उसको शेयर करेंगे, ज्ञान को बांटेंगे। डेफिनेटली दिस शुड बी अ टेक्निकल ज्ञान। तो चलिए आज का ब्लॉग जो है यहीं पे ख़त्म करते हैं। शुभ रात्रि, गुड नाइट, सायोनारा, सब्बा खैर, टेक केयर, बाय बाय।